नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर और इंडिया में राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कुछ बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। सबसे पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि आ रही है भारत में साधारण जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो पहले चलती थी लॉकडाउन के पहले, उस उड़ानों को यहाँ पर फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। 30 नवंबर तक ये जो फ्लाइटें हैं नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट उनको बंद रखा जाएगा। ठीक है, अब अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया से थाईलैंड के लिए आपको पता है कि काफी सारे लोग इस वक्त ट्रेवल करना चाहते हैं पर उनको फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। इंडिया से थाईलैंड ट्रेवल करने के लिए एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइटें अनाउंस कर दी हैं इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो जिन लोगों को भी यात्रा करना है वो एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर जो है थाईलैंड की फ्लाइटों की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थाईलैंड से रिलेटेड जो फ्लाइटों की अपडेट है उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊं तो आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, वहीं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, यूएई और इंडिया के बीच में जितने भी लोग यात्रा करना चाह रहे हैं, अरब कंट्रियों के बीच में जितने भी लोग यात्रा करना चाह रहे हैं, तो यूएई और इंडिया के बीच में जो फ्लाइटों का फेयर था वो अभी काफी समय से काफी ज्यादा चल रहा था, काफी हाई फेयर था, जिसके वजह से एक आम जो जनता थी वो ट्रेवल करने में एक बार सोच रही थी, पर अब इन फेयर्स को काफी ज्यादा घटा दिया गया है। तो अगर आप अब ट्रेवल करना चाहते हैं तो अब आपको जो फ्लाइटें हैं वो सस्ते रेट में मिल जाएंगी, तो आप अगर यूएई के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहीं अगली खबर एयर अरेबिया से निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, एयर अरेबिया यहाँ पर केरला के लिए जो फ्लाइटें हैं वो ऑपरेट कर रही है। सो ये फ्लाइट जो है एयर अरेबिया की वो आपको यहाँ पर अबू धाबी से केरला के लिए मिल सकती है जो कि केवल 499 दिरहम में इस वक्त मिल रही है। तो आप उसको भी अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो। तो इस वाली वीडियो में केवल इतनी इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, बाकी जो अगली वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें और भी इंटरनेशनल फ्लाइटों की अपडेट होगी। तो ये वाली अपडेट कैसी लगी इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। मैं मिलता हूं आप अगली वाली वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।